ये क्वेश्चन है, इसको बनाने के लिए सबसे पहले लिखा हुआ है सोल्व, तो हम जो भी ट्रू इनवर्स में फॉर्मूला बताए हैं उस फॉर्मूला का यूज करेंगे। हम लोग फॉर्मूला एक बताए थे जिनको जिनको नहीं पता उनके लिए, टू टेन इनवर्सेस, एक फॉर्मूला था टू टेन इनवर्सेस, क्या फॉर्मूला था, टेन इनवर्स टू एक्स बाय वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो ये LHS है, वो RHS है, तो प्रूफ नहीं करना है कि LHS को लेके चलेंगे RHS लाएंगे, यहाँ पर ऐसे बनाएंगे टू टेन इनवर्स क्या है देख लो तो cos x है, इधर क्या है टेन इनवर्स टू cos x, cos x को हम लोग लिख सकते हैं टू बाई साइन। इसके बाद जस्ट आगे फॉर्मूला होता है टू टेन इनवर्स x का, क्या फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स टू एक्स बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये x की जगह पे कौन दिख रहा है cos x दिख रहा है, और नीचे में क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x, कहने का मतलब है वही चीज, फॉर्मूला बस लगा दिए टू टेन इनवर्स x का, क्या लगा दिए टेन इनवर्स टू एक्स बाय वन माइनस एक्स स्क्वायर, इधर जस्ट आपको टेन इनवर्स टू बाय साइन x दिख रहा है। कुछ लोग दोनों साइड टेन ले लेता है, कुछ लोग डायरेक्ट टेन इनवर्स हटा देता है, तो क्या बचेगा टू cos x बाय वन माइनस cos स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x, और इधर क्या हो जाएगा टू बाय साइन एक्स, यहाँ से एक साइन कट गया तो टू से टू कट गया तो कॉस बाई साइन कॉट एक्स इजकल टू कितना आएगा वन, तो कॉट एक्स इजकल टू वन मतलब कॉट पाई बाई फोर, यहाँ से एक्स इजकल टू पाई बाई फोर, ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन, लिखा रहता है सोल्व कीजिए, पहले लिख लीजिए आता है फिर भी, यहाँ से सोल्यूशन है। फिर से समझाते हैं, हमको जितना भी ट्रिगो का फॉर्मूला था हम बात कर चुके हैं, जो आज क्लास कर रहे हैं फर्स्ट वो कम से कम मेरा दोनों वीडियो देखिए उसके बाद आगे बढ़िएगा। ये हमारा क्वेश्चन था और यहाँ लिखा हुआ था सोल्व, हम ये स्टार मार के फॉर्मूला इसलिए लिख रहे हैं कि फॉर्मूला याद हो जाए, सबसे पहले ये हमारा जो क्वेश्चन है उसमें देख लो, यहाँ पर कहीं पर ये नहीं लिखा है प्रूफ जाए, यहाँ लिखा हुआ है सोल्व, सोल्व का मतलब होता है एक्स का वैल्यू बताना है, तो एक्स का वैल्यू बताना है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है पहले इसको ध्यान से देखो, टू टेन इनवर्स कॉस एक्स और यहाँ लिखा हुआ है टेन इनवर्स टू बाई साइन एक्स, सबसे पहले इस LHS के पार्ट में फॉर्मूला लग सकता है ये वाला फॉर्मूला टेन इनवर्स टू एक्स बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर, इधर भी टेन इनवर्स है इधर भी टेन इनवर्स है, दोनों साइड टेन लोगे तो टेन टेन इनवर्स हट जाता है और ये बचता है, तो क्या बचेगा यहाँ से टू कॉस एक्स बाई वन माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर, टू बाई साइन एक्स, एक साइन से एक साइन कटा कॉस बाई साइन कॉट एक्स, टू से टू कटा तो कॉट एक्स इजकल टू वन, तो कॉट एक्स इजकल टू कॉट पाई बाई फोर, तो फाइनली एक्स इजकल टू क्या दिया हमारा आंसर पाई बाई फोर। ये जो हम लोग सोल्व किए ये पहला क्वेश्चन था, जल्दी से छाप लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देने जा रहे हैं, सोल्व वाला ही देंगे अभी, पहले सोल्व वाला में आप लोग को थोड़ा सा, कुछ लोग हाथ उठा रहा है, जो हाथ उठा रहा है कम से कम हमको मैसेज कर सकता है, मैसेज देख लेते हैं, ठीक है बहुत अच्छा, सेकेंड स्टेप ये फॉर्मूला लगाए हैं, सही है सही है, चलो ना और क्वेश्चन दिखा रहे हैं, समझ में आएगा टेंशन नहीं लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख रहे हैं सोल्व लिखा रहेगा टेन इनवर्स वन माइनस एक्स बाई वन प्लस एक्स इक्वल टू वन बाई टू, ये क्वेश्चन है लिखा रहेगा सोल्व, ये क्वेश्चन है लिखा रहेगा सोल्व, हम बताए थे तीन टाइप का क्वेश्चन रहता है, पहला टाइप में बोलेगा क्या बोलेगा, पहला टाइप में बोलेगा LHS से RHS प्रूफ कीजिए, दूसरा टाइप में क्या बोलेगा सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइए, और तीसरा टाइप में बोलेगा सोल्व कीजिए, ये जो क्वेश्चन है यहाँ भी लिखा हुआ है SOLV सोल्व, सोल्व का मतलब होता है एक्स का वैल्यू बताना है, ठीक है जल्दी से देखिए और बनाइए, दो मिनट का टाइम देते हैं, ठीक है फिर मजा आएगा। चलिए क्वेश्चन कोई बना के भेजा है प्लस माइनस वन, क्वेश्चन में एक बात लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है एक्स ग्रेटर देन जीरो मतलब माइनस में आंसर कभी भी नहीं हो सकता है, इस क्वेश्चन को जब बनाने जाओगे इस टू को इधर ले आओगे, ये जब टू इधर आएगा टू टेन इनवर्स वन माइनस एक्स
1 plus x is equal to tan inverse x. अब इस फॉर्मूला में हमको ध्यान देना है, उस फॉर्मूला का यूज करना है जो अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बात किए थे, 2 tan inverse x. ये बात किए थे tan inverse 2x by 1 minus x square. तुम बोलेगा इसका यूज कैसे कीजिएगा भैया, देखो 2 है, tan inverse है, इस पूरे को x समझ लो. बिट्टू इधर ध्यान देगा, बाहर बकरी को देख रहा है जैसे तेरी गर्लफ्रेंड है, इधर देख. 2 tan inverse x, tan inverse x, ठीक है. ये फॉर्मूला यहाँ लगेगा, क्या लगेगा देखो, tan inverse 2x by gap नहीं 1 minus x by 1 plus x का whole square. अब इसमें एक दो स्टूडेंट तुरंत बना के भेजा और जो नहीं भेजा उसका प्रॉब्लम है, दोनों साइड tan tan हट जाएगा, तो 2 1 minus x 1 plus x whole divide में 1 plus x का whole square minus 1 minus x का whole square divide में 1 plus x का whole square, दोनों साइड से curly bracket बंद, इधर हम दे देंगे x. तुम बोलेगा कि अब क्या होगा भैया, कुछ होगा नहीं, केवल कैलकुलेशन कर रहे हैं. देख लो यहाँ से 1 plus x से कैंसिल हो गया, 2 1 minus x into 1 plus x, और नीचे आपको आ जाएगा, ब्रेक करोगे 1 plus x square plus 2x minus 1 minus x square plus 2x equal to x. ये x square 1 1 कट जाएगा, 2x 2x कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा. तो मेरा फॉर्मूला बस मिटा रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूला आपको हर समय यही दिखेगा. तो ये हमारा जो भी चीज है, ध्यान दीजिएगा, 2 1 minus x square whole divide में क्या हो जाएगा, 2x 2x 4x equal to x. तो 2 minus 2x square, sorry काट दो ना 2 से 4 को, 1 minus x square बराबर 2x square, तो 3x square बराबर 1, x square बराबर 1 by 3, x का वैल्यू प्लस माइनस 1 by root 3. तो हम बताए हैं x 0 से बड़ा है, इसलिए आंसर लिखाएगा therefore x equal to 1 by root 3. फिर से समझाते हैं, एक एक क्लास का वीडियो बना रहे ट्रिग्नोमेट्री का, क्लियर, किसी का मिस भी कर जाता है सारा वीडियो हाथ में है, एक बार आप सॉल्यूशन देखिएगा सब कुछ समझ में आएगा. ये हमारा क्वेश्चन था ऊपर वाला, पर हम जान बुझ के इस 2 को इधर ले आए, क्योंकि फॉर्मूला जो पढ़े थे हम लोग 2 tan inverse x, उस फॉर्मूला को यहाँ लगा दिए, उधर भी हो गया tan inverse x, बुक में दोनों साइड tan लेता है, या तो दोनों tan inverse को हटा दो, बात एक ही चलता है. यहाँ से आ गया 2x by 1 minus x square, कैलकुलेशन किए, काटे, सोल्व किए, x का जो वैल्यू आया प्लस माइनस आया, पर हमारा यहाँ लिखा हुआ था x 0 से बड़ा होगा, तो इस कारण से ये बात लिखे. हम फोन उठा रहे हैं बिकॉज फोन इज कमिंग. हेलो, बोलिए सर. आएगा हमको पता है, इस क्वेश्चन में जब आप देख रहे हो तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि x दो जगह है और यहाँ पर साइन साइन है, और साइन का कोई फॉर्मूला हम लोग पढ़े नहीं है. एक काम करेंगे, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स को ऐसे लिखेंगे, और ये पाई बाय 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स. तो यहाँ से 1 माइनस एक्स इक्वल टू साइन. कुछ लोग ये बात को समझता है, कुछ लोग को नहीं समझ में आता है. जो समझता है उसके लिए ये साइन इनवर्स, और यहाँ पर जो पाई बाय 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स है, इस फॉर्मेट में सुनेंगे, इस फॉर्मेट में ध्यान देना है. ये जो 1 माइनस एक्स है, इसके बगल में साइन इनवर्स है, इस साइन को उधर भेज दिए, या तो आप भेज दो. आयुष हाथ उठाया, वेरी गुड, पहचान गया आयुष, नहीं पूछता कुछ तो लगता है आयुष है ही नहीं. ये 1 माइनस एक्स है, साइन इनवर्स उधर गया तो क्या हो गया, साइन हो गया. कुछ लोग दोनों साइड साइन ले लेता है, बात एक ही है. तो यहाँ से 1 माइनस एक्स, किसी किसी को पता होगा, किसी किसी को पता होगा साइन 90 प्लस थीटा, जिनको नहीं पता है देखेगा साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा cos थीटा होता है. तो sin 90 plus 2 sin inverse x cos थीटा होगा, तो cos 2 sin inverse x होगा. अब यहां तक के बाद अब एक फार्मूला और याद रखना है, cos 2a, जिसको याद नहीं है जान लो ये फार्मूला होता है, बिना फार्मूला के मर जाओगे, कोई कुछ नहीं कर सकता है, सब एलिमेंट का फार्मूला है. तुम बोलेगा चलिए 1 minus x ठीक है, लिपि समझ में आ रहा है तो हाँ, नहीं आ रहा तो तुरंत ना बोलना है. cos 2a, इसका एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ए के जगह पे यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स है. जिनको जिनको क्लास किए होंगे उनको फॉर्मूला का बहुत अच्छा ज्ञान होगा कि बाहर में साइन है, अंदर में साइन इनवर्स एक्स है. इसका वैल्यू हम बताए थे, एक्स देता है,
हम बताए थे और तुमको भी जानकारी होना चाहिए। वन माइनस एक्स इक्वल टू वन माइनस टू, तुम बोलेगा साइन साइन इनवर्स एक्स, एक नहीं है भैया दो है, दो है तो यहाँ पर एक्स का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ वन वन कैंसिल हो जाएगा, एक्स इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से एक्स कॉमन वन माइनस टू एक्स बराबर जीरो, एक्स का दो वैल्यू आया, एक्स का दो वैल्यू क्या क्या आया, एक्स का दो वैल्यू आया जीरो और एक आया एक्स का वैल्यू हाफ, दोनों आंसर हो सकता था या तो दोनों में से एक आंसर हो सकता था या तो कुछ भी आंसर नहीं हो सकता। तो एक काम करेंगे एक्स बराबर जीरो पुट करेंगे, यहाँ पुट करो एक्स बराबर जीरो तो क्या होगा एलएचएस में, बताओ एलएचएस में साइन इनवर्स वन माइनस टू साइन इनवर्स जीरो, साइन इनवर्स वन होता है पाई बाई टू माइनस जीरो का वैल्यू जीरो, तो वैल्यू क्या दिया पाई बाई टू, उन्हीं को समझ में आएगा जो 3.1 बनाए होंगे और मेरा सारा वीडियो देखे होंगे, अचानक आके टपक के बैठने से नहीं होगा लेकिन थोड़ा मोड़ा समझ में आएगा, लोड नहीं लेना। जीरो आंसर होगा, क्यों होगा जीरो आंसर, क्योंकि जीरो पुट किए तो आंसर पाई बाई टू आ रहा है, क्या एक्स इक्वल टू हाफ होगा इसको भी चेक करना होगा, तो हम अभी चेक करेंगे, पहले इसको दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि आपको समझ में आया दिक्कत नहीं हो। ये हमारा क्वेश्चन था, ये हमारा सॉल्यूशन है, हम यहाँ से साइन इनवर्स वन माइनस एक्स इक्वल टू पाई बाई टू जो माइनस है उधर गया तो प्लस टू साइन इनवर्स, और ये साइन इनवर्स है साइन को उधर भेज दिए साइन 90 प्लस टू साइन इनवर्स, साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, हम यहाँ लिख दिए कॉस, ये हो गया टू और ये हमारा थीटा का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ है वन माइनस एक्स, अब तुमको वहां फॉर्मूला लिखे है कॉस टू में, क्या लिखे है वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए, ए के जगह पे जहाँ ए होता है वहां पर साइन इनवर्स एक्स है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, अब ये फॉर्मूला था कि साइन साइन इनवर्स एक्स एक्स देता है क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इधर वन माइनस एक्स है ये वन माइनस टू एक्स स्क्वायर है, यहाँ वन वन कैंसिल हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक्स इक्वल टू हमारा हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स कॉमन निकलेगा वन माइनस टू एक्स बराबर कितना जीरो, तो फाइनली हमारा एक्स का दो वैल्यू आएगा जीरो आएगा और हाफ आएगा, पर यहाँ पर जीरो आंसर होगा पर हाफ आंसर नहीं होगा, काहे नहीं होगा एक मिनट देखी लो, लोड काहे लोगे देखी लो, हम समझा दे रहे हैं फिर अच्छे से कर लेंगे। पुट करो एक्स इक्वल टू हाफ, एक्स इक्वल टू हाफ पुट करो कहाँ यहाँ पर साइन इनवर्स वन माइनस हाफ हाफ माइनस टू साइन इनवर्स हाफ, याद जिनको है हाफ का वैल्यू पाई बाई सिक्स होता है माइनस टू पाई बाई सिक्स, अगर देखोगे तो पाई बाई सिक्स माइनस पाई बाई थ्री एलसीएम आया सिक्स पाई माइनस टू पाई माइनस पाई बाई सिक्स आंसर आया, माइनस पाई बाई सिक्स तुमको नहीं हो सकता है, नॉट इक्वल टू आर एच एस मतलब एक्स इक्वल टू जीरो आंसर होगा, एक्स इक्वल टू हाफ आंसर नहीं होगा, ठीक है आया समझ में, ठीक है नहीं आया उसके लिए हम हैं, कुछ बच्चा लीव हो जाता है अचानक, लीव नहीं होना है हम देखते हैं, ठीक है एक बच्ची बना के भेजी है दो आंसर आया तेरा भी मेरा भी दो आंसर आया, तेरा भी जीरो हाफ आया मेरा भी जीरो हाफ आया, पर हम बताएं जीरो होगा हाफ नहीं होगा, क्यों नहीं होगा आपको समझ में आ गया होगा, अगर फिर भी नहीं आता है तो बाकी भगवान भरोसे। क्वेश्चन है किसी को कोई प्रॉब्लम तुरंत बोलिएगा, हमारे पास 45 मिनट है आज बस क्वेश्चन ही चल रहा है, क्वेश्चन ऐसा चल रहा है कि आपको समझ में आने लगेगा, दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन चार क्वेश्चन कितना देर नहीं आएगा, आएगा 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 रे बाबा आएगा सोल्व, हम एक ही टाइप का क्वेश्चन इतना बता दे रहे हैं कि कहीं दिक्कत नहीं होगा, तो लिखो जो लिखना चाह रहा है लिख लो, क्वेश्चन लिख रहे हैं सोल्व करना है ना, इजी क्वेश्चन tan इनवर्स 2x plus tan इनवर्स 3x इक्वल टू पाई बाई फोर, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है tan इनवर्स 2x plus tan इनवर्स 3x इक्वल टू पाई बाई फोर, इस क्वेश्चन में आपको एक फॉर्मूला था, फॉर्मूला देखे होंगे तो ठीक है, नहीं तो गर्मी का मजा लीजिए गर्मी बहुत है, चलिए मिटा रहे हैं। अब ये क्वेश्चन में भी क्या प्रॉब्लम होता है चलो बना के दिखाओ, चलो हम फॉर्मूला भी लिख देते हैं, एक फॉर्मूला यूज होगा देखो ये फॉर्मूला tan इनवर्स x plus y divide by 1 minus x y, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कब होगा tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y,
ये फॉर्मूला है tan inverse x plus tan inverse y, प्रूफ किए थे, सब कुछ किए थे, ये फॉर्मूला है, इसका यूज करना है। और यहाँ पर एक बात और था, एक्स वाई का वैल्यू लेस देन क्या होना चाहिए, वन, मतलब जो भी दो टर्म है x into y, वो हमेशा मल्टीप्लाई करने पे वन से छोटा होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन जो दिए हैं, इस क्वेश्चन को जल्दी से बनाओ और इसका आंसर लाओ, और कौन आंसर होगा कौन आंसर नहीं होगा ये हमको बताओ। देखने से लगता है एनसीईआरटी का क्वेश्चन, एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का क्वेश्चन में बहुत तरह का बात छिपा हुआ है, उतना ध्यान ना आप देते थे ना हम देते थे, फिर हम बोल रहे हैं कि हमको नहीं पता था पहले। धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते बहुत चीज सीखने को मिलता है, जितना हमको जो सिखाया उसी से हम काम चलाते हैं। चलो ध्यान देगा, ये क्वेश्चन है, ये पाई बाई फोर प्रूफ नहीं करना है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है सोल्व, इतना गाते हैं फिर भी क्या होगा, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो क्या करेगा, एलएचएस लेके सोल्व करना चालू कर देगा, बोलेगा भाई हम आए थे करके, बहुत मजा आया, आंसर भी आ गया, हम दिखाते हैं क्या कहानी है, ध्यान दीजिएगा। विशाखा क्या बोल रही है, मनाली ज्वाइन हो जाओ, ज्वाइन हो जाओ जो एग्जिस्ट हुआ, कुछ लोग एग्जिस्ट हो जा रहा अचानक। ठीक है, एक आंसर लाई, दूसरा आंसर क्यों नहीं होगा, रीजन दो। चलिए समझाते हैं, आइए फॉर्मूला लिखे हैं पर फॉर्मूला को मिटाएंगे नहीं, आइए हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। तुम लोग लगाओगे tan inverse 2x plus 3x, सब यही लगाया होगा, 1 minus 2x into 3x, ये फॉर्मूला लगा के इक्वल टू पाई बाय 4 लिखा होगा, और जस्ट बगल में लिखना कि and 2x into 3x लेस देन क्या होना चाहिए, 1, काहे फॉर्मूला देखो x into, ये हम केवल समझा इसलिए रहे कि भाई आपको समझ में आ जाए, यही कंडीशन होना चाहिए, जो वैल्यू पुट हो रहा है 3 टू जा, अच्छा 2x into 3x लेस देन 1, बस यही लिखो, यही कंडीशन लिखो, अपने से कुछ मत करना, तो 2x into 3x लेस देन 1 होना चाहिए, मतलब जो भी तुमको आंसर आना चाहिए उस वैल्यू को यहाँ डालेंगे तो दोनों को इंटू करने पे वो हमको हमेशा 1 से क्या होना चाहिए, लेस देन। इसके आगे 3 और 2 5x, हम उधर का काम एग्जाम में नहीं करना है, वो केवल समझाने के लिए है, वो समझाने के लिए है, मतलब आपको फॉर्मूला लगाए हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि दोनों जब मल्टीप्लाई हो अंदर का जो पार्ट है वो ये 1 से छोटा होना चाहिए, तो 5x by 1 minus 6x square is equal to tan pi by 4, क्या हुआ तुमको समझ में आया, इनवर्स है उधर चला गया या तो दोनों साइड टैन ले लो, बात एक ही होता है, तो 5x is equal to tan 45 1 होता है, तो 1 minus 6x square, यहां से 6x square प्लस 5x माइनस 1 बराबर 0, यहां से मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद में 6x माइनस x माइनस 1 बराबर 0, 6x कॉमन x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन x प्लस 1 बराबर 0, तो 6x माइनस 1 x प्लस 1 बराबर 0, तो x का वैल्यू आएगा 1 बाय 6 और x का वैल्यू आएगा माइनस 1, लिखिएगा x इज इक्वल टू माइनस 1, Not satisfied. क्यों नहीं satisfied करेगा? अगर माइनस वन लोगे, ध्यान दे रहे, अगर माइनस वन लेगा, ध्यान देने वाला बात है, कंडीशन था माइनस वन ले लो एक्स की जगह पे, टू इंटू माइनस वन प्लस थ्री इंटू सॉरी इंटू थ्री इंटू माइनस वन क्या लेस देन वन है, माइनस टू और माइनस थ्री क्या लेस देन वन है, क्या प्लस सिक्स वन से छोटा है, नहीं है ना वन से छोटा, मतलब एक्स का वैल्यू माइनस वन सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि जो फॉर्मूला लगाया है उसमें ये भी बात था, एंड ये बात हम लिखे हैं केवल समझाने के लिए, बुक में ये सब नहीं लिखता है, बुक में डायरेक्ट लिख देता है x = 1/6 be the solution, अब नहीं समझ में आया तो तेरा प्रॉब्लम है,
यहाँ दो आंसर आया था, 1/6 और -1। 1/6 होगा, -1 नहीं होगा, क्योंकि जो फार्मूला तुम यूज किए हो उस फार्मूला के हिसाब से जब तुम आंसर लाए हो वहां पर ये भी कंडीशन होना चाहिए। क्या कंडीशन होना चाहिए? x into y less than 1। x का वैल्यू है 2x और y का वैल्यू है 3x, दोनों को इंटू करने पे 1 से छोटा। अगर x का वैल्यू -1 डालते हो ये -2 और ये -3, गुना होने पे 6 होगा, 6 1 से छोटा नहीं होता, इस कारण से -1 आंसर नहीं होगा। एक तो ये रीजन होता है और एक रीजन और है जो तुमको समझा नहीं सकते हम, ठीक है? बाय बाय, मतलब इस क्वेश्चन के लिए बाय बाय। ये केवल कंडीशन समझाए हम, कंडीशन, बिना कंडीशन ये कुछ नहीं होता है। तो आपको सोल्व का क्वेश्चन दिख रहा है और हम सेकेंड मीटिंग भी भेजने जा रहे हैं इसलिए कि हमारे पास टाइम कम है। कुछ लोग बना के भेजा है, बहुत सुंदर, वाह, वेरी गुड वेरी गुड। एक बच्चा बना के बहुत अच्छा भेजा, चलिए बहुत अच्छा। शुभम भी बना के भेजा है, एक आंसर नहीं होगा क्यों समझ में आया, वाह, सब बात को पकड़ा है, वाह, सबका सही है, सबका सही है, सबका सही है। चाहे देखिए अल्फा इज इक्वल टू, शुरुआत करते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन में हमको प्रूव करना है LHS से RHS, तो हम एक LHS को ही लेके चलेंगे, पर LHS में एक वैल्यू को अल्फा मानेंगे, उससे पहला वाला को अल्फा, दूसरा वाला को बीटा, तीसरा वाला को गामा, तीन पार्ट में इसको बांटे हैं। अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 12/13, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू 12/13 पहला। फिर उसी तरह कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, तब यहाँ 5/13, और टैन अल्फा कितना हो जाएगा, तीनों को लेके जानबूझ के चल रहे हैं, इसका टू 12/5। ये सिखा रहे हैं कि किसी को किसी रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ से अगर देखा जाए तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 12/5। समझो मेरा बात को, हम यहाँ अल्फा माने थे साइन इनवर्स में, समझिएगा अच्छे से, तो साइन अल्फा बराबर 12/13, तो उसको तुम कॉस में भी चेंज कर सकते हो, उसको टैन में भी चेंज कर सकते हो। क्यों, कैसे कर सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम से। अब ये सब नहीं आता है 12 में, साइंस क्या कॉमर्स क्या कुछ भी मत लो, मर जाओ जाके। अल्फा बराबर क्या आया, tan इनवर्स, मतलब जो तुम्हारा पहला वाला पार्ट था sin इनवर्स, उसको तुम tan इनवर्स 12/5 लिख सकते हो, समझ में आ रहा है, ये फर्स्ट पार्ट। फिर जस्ट बगल में let beta is equal to कितना, cos इनवर्स, समझा देते हैं 4/5, तो cos beta बराबर समझिएगा 4/5। डायग्राम बना लो, डायग्राम समझाने के लिए ये 4, ये 5, तो ये पता है 3, तो sin beta बराबर 3/5, रुक जाओ, cos है ना, तो 4 ये होगा और 5 हो, ये 3 हो जाएगा, तो sin beta is equal to 3/5 और tan beta is equal to 3/4, तो यहाँ से beta is equal to tan inverse 3/4। तुम बोलेगा चलिए भैया आप sin alpha भी मान लिए, beta भी मान लिए, एक एंगल बचाओ तो खुद tan में है, मान लो ना भाई, gamma is equal to tan inverse 63/16। तो ये जब तुम लगा रहे हो tan inverse 63/16, तो ध्यान देने का यही बात है, ये भी जो गामा है, यहाँ से अगर देखा जाए ये अल्फा बीटा गामा टेन में है, रहने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अल्फा बीटा गामा हमारा LHS का तीन पार्ट है। LHS में हमारा अल्फा है, प्लस बीटा है और प्लस गामा है। हम अपने तरीका से बता रहे हैं, बुक का तरीका से नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो अल्फा की जगह टेन इनवर्स 12/5, बीटा की जगह पे टेन इनवर्स 3/4, गामा के जगह पे tan इनवर्स 16/, ये हम तीन भाग में लिख दिए। थोड़ा कैलकुलेशन हार्ड होगा मेरे प्रोसेस में और कुछ नहीं, इसी को सोल्व करके पाई लाना है, इसी को सोल्व करके पाई लाना है। पहले यहाँ तक जल्दी छापिए, अब नेक्स्ट मीटिंग में बात करेंगे।